वहीं दमोह में हुए ट्रिपल मर्डर का खुलासा हो गया है। पुलिस के मुताबिक बांसा तारखेड़ा कस्बे में होमगार्ड सैनिक और उसके दो बेटों की हत्या जमीन की रंजिश में हुई। खुलासा हुआ है कि एक ही खानदान के दो पक्षों में जमीन को लेकर रंजिश थी और मामले में राजीनामा होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही होमगार्ड सैनिक की धारदार हथियार से गला काटकर जबकि उसके दो बेटों को बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो राजा विश्वकर्मा नाम के एक आरोपी के साथ एक महीने पहले मृतकों ने मारपीट भी की थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में नाकाबंदी कर रही है और साइबर सेल को एक्टिव किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। बलौदा बाजार की घटना में कांग्रेस का हाथ बताया, कहा कि हम नहीं कह रहे, आम जनता कह रही है। सोशल मीडिया में वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक जमावड़ा करते हुए दिखाई दिए हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने ये बयान दिया है। जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, उनके फोटो दिख रहे हैं, सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, लोग वहां बता रहे हैं, आम वहां नागरिक वहां के बता रहे हैं, तो कांग्रेस को तो ये जो बलौदा बाजार की घटना है उसको भड़काने का, उनके नेताओं का बलौदा बाजार में जिस प्रकार से जमावड़ा हुआ, जिस प्रकार की घटना हुई, तो कांग्रेस की बड़ी उसमें भूमिका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आम जनता जान रही है। प्रदेश का बजट जनता के हित का होगा। भोपाल में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि बजट को लेकर सभी विभागों से जानकारी ली जा रही है और अलग अलग वर्गों से बजट को लेकर संवाद हो रहा है। वित्त मंत्री के मुताबिक तो आर्थिक विशेषज्ञ से लेकर व्यापारी तक सभी से सुझाव मांगे गए हैं। उनकी माने तो सरकार की चलाई जा रही कोई भी योजना बंद नहीं होगी और बजट पे महाकुंभ के लिए केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ रुपए की मांग भी की गई है। होना चाहिए, जनता के लिए बजट है, जनता का बजट है और सभी वर्गों का इसमें विशेष तौर से हम समावेश करेंगे, सबका ध्यान रख करके सर्वस्पर्शी बजट हो। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाला मध्य प्रदेश का बजट यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अच्छा बजट हम पेश करेंगे। जो 2028 में जो हमारा कुंभ आने वाला है सिंहस्थ, उसके संबंध में भी हमने आग्रह किया, अनुरोध किया है कि लगभग 20,000 करोड़ की हमने राशि की मांग की है। 18वीं